दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है DSLR चलाने के बारे में। अगर आपने DSLR को कभी टच भी नहीं किया है, भले ही कभी आपने DSLR को छुआ तक नहीं, फिर भी आप सीख सकते हैं DSLR चलाना इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, पूरी जिंदगी काम आएगी यार। कभी इन फ्यूचर DSLR से किसी ने कह दिया फोटो लेने, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये वीडियो देख लो। एक चीज और मैं बता दूं, ये वीडियो देखने से आप चाहे कैमरा वो 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 7 लाख का कैमरा हो, निकोन का कैमरा हो, सोनी का कैमरा हो या पैनासोनिक का कैमरा हो, किसी भी कंपनी का कैमरा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, हर कंपनी का महंगे से महंगे कैमरा चला सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए। कैमरा चलाने का मतलब क्या क्या हम सिखाएंगे, तो कैसे DSLR से फोटो लेंगे, फोटो लेने के बाद कैसे लेंस बदल सकते हैं, कैसे मतलब चीजें वगैरह कर सकते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए पूरी। लेकिन दोस्तों देखिए, वीडियो जो भी देख रहे हैं ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं। आप सीख लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख दीजिए DSLR चलाना सीखें, ये कमेंट में लिख दीजिए DSLR चलाना सीखें। और यह कमेंट में यह भी लिखिए आप कहाँ से देख रहे हैं, यूपी, बिहार या गुजरात या उड़ीसा या पंजाब, हरियाणा, कहाँ से देख रहे हैं, महाराष्ट्र, हमें जरूर बताइए कमेंट में। क्या आपके पास DSLR है या नहीं, यह भी हमें कमेंट में बताइए, हमें खुशी होगी पढ़ने में कमेंट को। चलिए, हमारा DSLR तो ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है, अब इसको चालू कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, घबराइए मत। ये सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, इसको नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ दो तरीके से फोटो शूट किया जाता है, एक डिस्प्ले में देख के, एक व्यू फाइंडर में देख के। ये व्यू फाइंडर है, ठीक है ना। अब यहां पे पहले मैं कुछ सेटिंग के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये जो इतना सारा बटन दिख रहा है, इसमें बस दो जरूरी है, ऑटो मैनुअल, एम जो लिखा हुआ है वह बहुत जरूरी है, ये देखो, ए ऑटो और मैनुअल, ये जरूरी है मेन रूप से। और ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी भूल जाओ, ये शूट करने वाला बटन है। कैसे शूट करेंगे अभी बताते हैं आपको। ये हमने डिस्प्ले को खोला, डिस्प्ले को खोलने के लिए एक उंगली यहां लगाइएगा, एक उंगली यहां, देखिए थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, क्लिक किया हमने, ये खुल गया। फोटो लेने के लिए क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले चालू करेंगे कैमरा, डिस्प्ले तो खुल गया, तो कैमरा चालू करेंगे कैसे, ये देखो ऑफ का बटन है, ये ऑफ में मिला हुआ है, अब ये ऑन में मिला हुआ नहीं है, इसको मिलाएंगे तो। और ये वीडियो है, तीसरा वाला वीडियो है, ऑफ ऑन वीडियो, हम फोटो लेंगे ना तो हम सिर्फ ऑन करेंगे, ऑन हमने कर दिया, ऑन करने के बाद ये देखिए ऐसा हमें दिख गया कैमरा में डिस्प्ले ऐसे दिख गया। ये भी व्यू फाइंडर से दिख रहा है, लेकिन हमें डिस्प्ले में देखना है, डिस्प्ले में कैसे देखेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये तो काला काला दिख रहा है, तो दोस्तों काला काला दिख रहा है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा, सॉरी दिखाते हैं आपको, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए इसको दबाना पड़ेगा, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे निकल गया, इसको साइड रख देते हैं, और ये देख लो हो गया ना। अब यहां पे ये जो है ना, ये रबर टाइप का बना हुआ है, इसको ना पकड़ के जूम कम ज्यादा किया जाता है, समझ गए होगे, जूम कम ज्यादा करने के लिए आप सीख गए। फोटो कैसे लेंगे, अब फोटो लेने के लिए दोस्तों आपको ये बटन आपको मिल रहा है, ये जो उंगली है, ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इस उंगली से, मुझे बस इस उंगली से मतलब है, ये एक होता है ना पकड़ने में, ये कैमरा को पकड़ने में, हैंडल करने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ये सब पकड़ा जाता है और सब उंगली से, तो हमें इससे मतलब है। तो चलो यहां से कोई बटन नहीं यूज कर रहा हूं, मुझे बस इसको दबाना है, तो अब चलो इसको दबाओ, कितना जोर से मैंने दबाया, तो जैसे एक मोबाइल का बटन दबाते हो ना वैसे ही दबाना पड़ेगा। सीख गए आप DSLR से फोटो लेने के लिए, ठीक। हाँ, फोटो लेने से पहले एक चीज का ध्यान देना, ये उजला वाला जो डॉट है
ये ऑटो के साथ मिला हुआ होना चाहिए, तभी आपका फोटो अच्छा आएगा। अगर आप नए हैं तो, जो कि कभी DSLR हाथ में नहीं पकड़ा है, वैसे लोगों के लिए सबसे जरूरी काम यह है, ये A+ लिखा हुआ है ना, ऑटो मोड, इसको कभी भी ऑटोमेटिक मोड को यहाँ पे रखना, व्हाइट डॉटों मिला के। चलो, तो आई होप कि आप सीख गए होंगे DSLR से फोटो लेने के लिए। हाँ, थोड़ा जूम करके लेंगे। कैसे लेंगे? थोड़ा जूम कर दिया हमने। ओ, फ्लैश ऑटोमेटिक जल गया भाई। हाँ, फ्लैश ऑटोमेटिक जल गया, लेकिन ये लाइट के अनुसार ऑटोमेटिक खुल गया, तो इसलिए ऑटोमेटिक मोड में ये सब चीज़ें होती है। कुछ अच्छी, ये अच्छी चीज़ ही है। मान लीजिए रात में आपको कैमरा, आप फ्लैश नहीं खोल रहे हैं, तो ये ऐसे ही ऑटोमेटिक काम करेगा। इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अभी 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 फ्लैश ऑटोमेटिक नहीं खुला, क्योंकि कैमरा को पता है फ्लैश की अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से DSLR को चलाया जाता है। अब DSLR को बंद करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और, वीडियो लेना चाहते हो तो फिर, हाँ, अब देखो ये डॉट वीडियो से मिल गया है ना, ये डॉट वीडियो से मिल गया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, वीडियो में लेना है, वीडियो पे आ गया। अब यहां पे बस ये रिकॉर्ड बटन, ये जो लाल दिख रहा है ना, ये लाल पे क्लिक करो, वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ लाल आ गया और यहाँ सेकेंड चलना शुरू हो गया। अब देखो, हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अब जो हमने फोटो लिया वो सब कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए प्ले बटन है, सब कैमरे में प्ले बटन होते हैं, सोनी का, निकॉन का, हर कैमरे में। इस पे क्लिक करो, कभी कभी में यही बटन ना यहाँ पे होता है किसी किसी कैमरा में, तो उससे मतलब नहीं है हमें। तो हमने इस पे क्लिक किया, अब देखो ये आ गया। अब ये जो बटन है इसका यूज, इधर से नेक्स्ट होगा, ठीक, इधर से नेक्स्ट होगा, इधर से देखो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होगा आई होप आप सबको। ऐसे क्लिक करो, ये फोटो दिख रहा है। ये स्क्रीन टच वाला कैमरा है, तो ये इसको हम जूम कर सकते हैं दो उंगली से, या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जूम हो रहा है ना, तो ये चीज होती है यार, मतलब ये मैंने दबाए रखा, ये देखो जूम आउट हो गया। मेन्यू वगैरह यहाँ है, लेकिन मेन्यू में कुछ मत करना। हाँ, मेन्यू मान लो चले गए हो तो बैक कैसे आएंगे, कहीं भी मान लो चल गए हो तो बैक आने के लिए बस इस पे दबा दो, कैमरा वाले बटन पे, या तो मेन्यू को ही दबा दो, मेन्यू को दबा दो आगे कैमरा में, या तो यहां से आने के बाद ना, सॉरी, कोई सेटिंग पे जाने के बाद बस कैमरा वाला बटन यहीं पे दबा दो, या तो चालू करके कैमरा एक बार फिर से, बंद करके कैमरा एक बार फिर से चालू कर दो, हो गया, आप वापस से वहीं पे आ जाएंगे, कोई भी सेटिंग गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कैमरा किसी को अगर दोगे ना, तो उसे डर रहता है कुछ सेटिंग ना चेंज कर दे, कोई सेटिंग मत चेंज करना। और अब चलो कैमरा को हम बंद करते हैं। कैसे बंद करेंगे, तो बस इसको यहाँ पे बंद कर दो। हाँ, ये ऑफ पे छोड़ देना, ऑफ पे लाके, ठीक है ना, ये ऑफ के सामने, क्या यहाँ डिस्प्ले भी बंद हो गया, इसको बराबर कर दो पहले। बराबर कैसे, बराबर हो गया, अब इसको ऐसे करके बंद कर दो, ठीक है, इस तरह से हमारा कैमरा बंद हो गया। अब इसको बंद करने के लिए, हाँ, इसको बंद करने से पहले इसको कभी भी फूंक देना। फूकेंगे क्यों, इसमें जो भी गंदगी होगा यहाँ पे नहीं सटेगा। इस तरह से हमने बंद कर दिया दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि DSLR कैमरा कैसे चलाते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए DSLR कैमरा सीखें, इस तरह से कमेंट में लिख दीजिए। और आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, अपने जगह का नाम हमें कमेंट में जरूर बता दें। कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बताइए। कैमरा का और भी डिटेल, जैसे कि लेंस बदलना, कैसे वाईफाई कनेक्ट करेंगे कैमरा से मोबाइल में, तो वो अलग वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।